सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। अवकाश से कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सोच से होता है। इतना सस्ता और कहां सौदा मिलेगा, बीज दो जमीन को और पौधा मिलेगा। आज का पंचांग 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:33 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, कामकाज आज अजीब और भ्रम का स्रोत हो सकता है। जुवे बिना योजना की यात्रा और अतिरिक्त मैद्रिक जोखिम से बचें, इनसे राहत मिलने के बजाय आपको तनाव ही होगा। आज आप अन्य दिनों से अधिक व्यस्त रहेंगे, नए दोस्त बन सकते हैं और आप अपने प्रियजनों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक गतिविधियों के लिए अच्छा समय है, सोच समझकर अपने विचारों को व्यक्त करें। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। राजनीतिक अथवा सामाजिक संपर्कों का दायरा विस्तृत करें, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह अभी आप पर बना रहेगा। जो बातें आपको कठिन लग रही थी उसमें आप पारंगत होंगे। ज्ञान और कार्य क्षमता की वजह से आपको सम्मान मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में रुकावटें महसूस होगी लेकिन करियर को बेहतरीन बनाने के मौके आपको आसानी से मिलेंगे। परीक्षा की तैयारी करने वालों को अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, इससे व्यक्तियों गलतियों में सुधार भी होगा। पार्टनर और आपके विचारों में जो भेद हैं उसे निपटाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पैर और घुटनों से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि आपके राजनीतिक नाजायज फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है जिसकी वजह से आपकी मानहानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अचानक किसी नुकसान के कारण आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। आपके पास जो है उसी में खुश रहें। प्यार में जबरदस्ती ना करें बल्कि नम्र रहकर एक दूसरे को समझें। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। आज आपके लिए एक व्यस्त दिन है इसलिए आपको अपनी लव लाइफ और रोमांस से संबंधित मामलों के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने साथी की बातों को ध्यान से सुने और समझें। विवाह योग्य युवक युवतियों को अभी थोड़ा इंतजार करने की भी जरूरत है। बात करते हैं करियर की। आप अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, नए अवसरों को हाथ से जाने ना दें। आपके परिवार के सदस्य आपकी कुशलता और कल्पना की तारीफ करेंगे। आज का दिन गतिविधियों से भरा हुआ है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां, यात्राओं और फोन कॉल, फैक्स मीटिंग और ईमेल का सामना करना पड़ सकता है। नए प्रोजेक्ट या साझेदारी शुरू करने के लिए यह दिन अच्छा है। अपने सितारों के अनुसार अगर आज आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपके साथ है। व्यावसायिक कामों में गति आने से व्यवस्था बढ़ेगी। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदेमंद भी रहेंगे। बात करते हैं सेहत की।
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान स्थितियों की वजह से अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है। खान पान पर भी नियंत्रण रखें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।